हेलो हाय एवरीवन, आप सबका एलेक्स किंग टेलर चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सबको मैं इस वीडियो में इस काज मशीन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि किस तरह से काज करता है, कैसे काज करता है, इसमें क्या क्या सेटिंग दिया गया है, मैं इस वीडियो में मैं यहीं सब बताने वाला हूँ। आप इसको थोड़ा करीब से देख लीजिए। ये मेड इन जापान का बना हुआ है और इससे काज कैसे होता है और किस मशीन में इसको सेट किया जाता है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वाला मशीन बहुत अच्छा मशीन है। अगर आप सब भी अगर लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप सब ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और ये कितना का पड़ा हुआ है, कितना इसका रेट है, मैं इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ। आप सब मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो ये जो मशीन जो मैं लिया हूँ, मैं ये मशीन तो मेरे को लेना कोई ज़रूरी नहीं था, मगर मैं इस मशीन को मैं इसलिए मैं लिया हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम गिरता था, बहुत ज़्यादा मैं खुद से अकेले में कटिंग करता हूँ और सिलाई करता हूँ, फिनिशिंग भी मेरे को ही करना पड़ता है। तो मैं जिसके कारण मैं इस मशीन को मैं मंगाया, क्योंकि इससे हम बहुत अच्छे तरह से काज कर सकते हैं। बहुत कम समय में काज जब बन जाता है तो उसको हम लोग ब्लेड या कटर से उसको काट करके और उसमें सिर्फ हम बटन लगा देते हैं और हमारा शॉर्ट फिनिशिंग होकर के रेडी हो जाता है। अगर आप सबके पास भी बहुत सारा अगर कपड़ा गिर रहा है, अगर आपके पास भी फिनिशिंग करने वाला कोई आदमी ना है, तो मैं आप सबको यहीं मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब इस काज वाले मशीन को ज़रूर परचेस कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम समय में काज बना करके आपके शॉर्ट को रेडी कर देता है। आप एक दिन में 10 या 15 या जितना भी आप शॉर्ट सिलते हैं, आराम से इसे आप बना करके और फिनिशिंग करके टांग सकते हैं। तो आप चलिए, हम आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं और इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलता है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा, इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसका पैकिंग किया गया है। फो फो भाई, क्या बात है, कितनी लाजवाब मशीन है। ये देखिए, इसको हम करीब से दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छे तरह से दिखाते हैं। और ये देखिए, ये जो नट जो है, जहाँ पे हम लोगों का चाप जो कसा रहता है, उसी में हम इसको फिटिंग करेंगे लोग। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर से और क्या क्या चीज़ निकलता है। तो ये रहा हमारा बटन होल मशीन का, ये जो ये यूज़र मैनुअल कार्ड है, तो आप इसमें देख करके आप अपने मशीन में अच्छे तरह से फिटिंग कर सकते हैं, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब साइड में रखते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मशीन में सेट करने के लिए। पहले हम लोगों को पहले इसका जो ये चाप जो दिख रहा है, पहले इसको हम लोग खोल लेंगे लोग, इसको खोल करके निकाल लेंगे लोग बाहर। और इसको बाहर करने के बाद फिर हम लोग इस पटरे को खोलेंगे लोग, इस दाँता को खोलने के निकालेंगे लोग। नहीं अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि ये कपड़ा खींच लेगा, सही से अच्छा से सेटिंग नहीं होगा। तो चलिए पहले हम इस दाँता को अपन खोल के बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले ये दोनों को खोल करके निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा खुल गया और ये भी हमारा नोट दोनों खुल गया। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब ये जो दो नोट दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको खोल लेंगे लोग बाहर और निकाल लेंगे लोग। अब इसको फटाफट बाहर निकालने के बाद इस दांता को इसे बाहर निकालने के बाद फिर से हम लोग इस पटरी को फिर से इसमें फिटिंग कर लेंगे लोग, फिर से इसको कस लेंगे लोग अच्छे तरह से और बैठा लेंगे लोग। तो ये हमारा कसा करके ये पटरा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें काज मशीन को फिटिंग करेंगे लोग। तो ये जो हमारा काज मशीन जो है, इसको हम लोग इस साइड में रखेंगे लोग और इस दोनों नट को हम लोग खोल लेंगे लोग। और इसमें हम लोग इस चाप का जो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें हम लोग इसको सेटिंग करेंगे लोग, सेट करेंगे लोग।
तो इसके लिए पहले इस नट को भी हम लोग निकाल करके रख लेंगे लोग। अब इसको इसमें पहले ये जो है इसको उठा करके ये जो सुई जो कसा हुआ है इस नट के ऊपर रख लेंगे लोग, उसके बाद इसको पहना लेंगे लोग। तो इस पे रखने के बाद ऐसे फिर इसको अच्छे तरह से इसमें पहना करके फिर इसमें हम लोग नट को अच्छे से इसको पहले ये जो चाप जो है इसको नीचे गिरा लेंगे लोग, ठीक है, पूरे गिरा लेंगे लोग। गिराने के बाद फिर इसको आहिस्ते आहिस्ते करके दोनों नट को टाइट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको नट को टाइट कर लेते हैं लोग, आराम से अब हम लोग काज बना सकते हैं। तो काज बनाने के लिए पहले हम लोग को बाबिन को बाहर निकालना पड़ेगा और इसमें धागा लपेट करके डालना होगा। इसमें हमारे धागा है, इसको हम अंदर ऐसा ही डाल ले। तो इसमें हम लोग धागा फंसा लिए और हमारा मशीन अब काज बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए काज बना करके दिखाते हैं आपको। क्या है कि जो शॉर्ट में जब काज बनाएंगे ना तो उसमें पेस्टिंग साटे रहते हैं, बकरन क्या बोलते हैं उसको, फैशन पट्टी जिसमें चिपका रहता है वो क्या होता है कि जो थोड़ा फिनिशिंग के साथ होता है। और ऐसे हम कपड़े में भी बना करके देखते हैं किस तरह से ये बनता है। तो आप सब देखते रहिए। इस पे दो दोहरा इसे सिल लेंगे लोग, दो दोहरा मार लेंगे लोग सिलाई। तो ये हमारा काज खूब अच्छे से कंप्लीट बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितने मस्त काज बनाया है। अब इसके में हम लोग ब्लेड से काट लेंगे लोग, ठीक है।